मोहम्मद आजम साहब आ जाइएगा जी। क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हैं? माशाल्लाह, झूठ और बेबुनियाद मनगढ़ंत वक्वा बनाकर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है लड़ाई झगड़े का। इल्जाम लगाना राजे पर नजायज तौर पर कब्जा करके और चोरी करके जाती की है। नजायज पर्चा हुआ है ये? कैसे? एक्सीडेंट हुआ सी पहली ते साडे को आपका पैसे का लेन देन है? हाँ जी, पैसे भी लेने हैं। आपने लेने हैं? हाँ जी। कितने? सर जी जगह मेरी नपीखा जी 5 मरले 6 ते पैसे नहीं दिते सर जी, उन्हें जगह बटुआ दी है जी। तो मैनू उन्होंने तबादला किया तो मेरी जगह वो बनती है। तो उन्हें कोई बंद आखते भी मैं तेन पैसे देंगा मकान पट देना, मकान भी पट जाएगा, गार्डन सारा कुछ रह गया। उस तो बावजूद मिट्टी पाते तो 5 मरले जी कम रात काम शुरू की कल एस एच ओ थानेदार साहब गए ने मौके पर, मिस्त्रियों ने 2 मिनट रुके ने तो उस पिछले फिर मिस्त्री नहीं बनने लग गए। तो साडा ये मुतालबा सर जी जदों तक साडा को मसला ना हल किया जाए, एक तो जगह रोक दी जाए तो साडा फैसला किया जाए मैरिट पर। जगह तो हम नहीं रोकेंगे लेकिन मेरिट पर फैसला करेंगे। हाँ जी, मेरिट पर फैसला सर जी, ताकि लेन देन का जो इशू है वो भी हल हो। हाँ जी, और जो परचा उन्होंने जी दिस रहे ने जी वो दुध का काम करता है जी, शराब पीता है, चरस बेचता है, शरेआम बेचता और पिस्टल भी उन्हें खोल। जो बंदा मजदूरी या कोई चीज़ भी मंगल जाता है पिस्टल काट तो उन्हें मगर लग जाता है। सर किसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये जाफर की बात है जी, ये हमारा मुलजम है। मुकदमा करवाया है आपके? हाँ जी। ये लड़ाई झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ये जी लड़ाई झगड़े हमारे साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। किसके आपके ऊपर नहीं पर्चा? किसके ऊपर दिया है जी पर्चा? उसने हमारे ऊपर रिजल्ट, उनका एक्सीडेंट से हुआ था, पसलियां वगैरह को चोट लगी थी, उसका रिजल्ट झूठा देकर आया है। उसके साथ ना वो ज्यादातर आदमी ना जो असंताज हैं। अच्छा काशिफ, ये मोहम्मद आजम आए हैं, इनका पर्चा भी है 73/24। सर जो वो कह रहे हैं कि ये असल में एक्सीडेंट हुआ था तो वो उन्होंने लड़ाई झगड़े का मेडिकल करके शो किया है, मुझे ये समझ आई है, ऐसा है जी? और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो लेन देन का इशू है इनके साथ 5 मरले का। हाँ जी। अब वो पैसे दे नहीं रहे, ना जमीन दे रहे हैं 5 मरले, ना पैसे दे रहे हैं, और उस पर बदमाशी से काम भी कर रहे हैं, और ये जाफर का नाम भी ले रहे हैं कि वो तो शराब और वगैरह भी बेचता है। एक तो उसके अलग से रिपोर्ट आपने मुझे भेजनी है कि वो अगर शराब वगैरह बेचता है आपके एरिए का है अगर, तो वो क्या है कहानी? ठीक है, वो अलग से मुझे चाहिए रिपोर्ट। और ये इनके दोनों जरा मसले आप खुद समझ के तो मुझे बता देंगे, अभी आपको पता है बताएंगे आप मुझे? ठीक है, आप एस एच ओ के पास जाएं जी। एस एच ओ से मैं पूछूंगा 2 दिन बाद। ठीक है, सीधा ना हुआ तो फिर मैं खुद देखूंगा इधर, मेहरबानी। ठीक है, चाय पी के जाए। मोहम्मद शहजाद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक सर, शुक्रिया। मोटरसाइकिल खरीद किया वकार से, आजम प्रवास ने साल के बगैर औलाद में बंद कर दिया। अच्छा, 5 दिन अंदर रखे ना जाए सर। कब की बात है ये? 2023-15 दिन जो इलेक्शन की सीटा जमा हुई उस तरीके। बहावलपुर आप क्यों गए? आपने इधर आना था मेरे पास, धमकियां देना अब्बास जिते अब्बास धमकियां देता है ना अब्बास घूमन जिते सर मेरा चौंक है जिते चौंक उ मैं निकल जाना, तो बहुत बदतमीजी उस दिन की मैंने आपके साथ। दोबारा कोई बदतमीजी करे यार धमकी? जी जी, आपने फौरन हमें बता देना, इसको नंबर फिट करके दो अपना, आपने फौरन बताना है मुझे किस नंबर पे। मैं रक्षा बेचा हूँ, रक्षा बेच के उन्होंने 50,000 रुपये देता है। वो तो अभी हम करेंगे ना जी सर, वो तो जिधर से भी है अगर तो साबित होते ना हम निकाल के देंगे। जी जी, जिधर से भी जी जी हम निकालेंगे। ठीक है, चोर पकड़वाए या 3 बंदे वो हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी तलब मामला है। ठीक है, ठीक है, ये इंक्वायरी करेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा अगर कोई धमकी आमेज या कोई इस तरह की बात आई ना, आपको फौरन अपने हमें बताना है ताकि हम उसको फौरन पर्चा दे सकें। जी सर, ठीक है सर, डोंट वरी, शाबाश। 3 दिन में इंक्वायरी हम करेंगे। ठीक है, छत्तर का पर्चा हुआ है, मुल्ज़िम इश्तहारी है, 2 साल हो गए हैं। क्या हाल है? हरीश से हैं,
चलो ये एस एच ओ को मार कर रहे हैं, एस एच ओ से बात अगर नहीं हो रही तो बीबी को थोड़ा सा बिठाएं। बीबी आप थोड़ी सी चाय पिए, फिर उनको ऑपरेशन रूम लेके जाएं। ठीक है, कल सुबह बीबी आ जाएं। सर मैं जाननी है तो मेरी गाले नहीं सुन दे तुम क्या। आपको हम कहीं नहीं भेज रहे। आखिर दिन कमीज वाली गुम हो गई। हमने ये जो बंदा है ना, हमने पकड़ना भी है, ये जो भी है ठीक है, और हमने दादर से भी करनी है। अब आपको मैं जिधर भेज रहा हूँ, ये वो कमरा है, देखो उधर, देखे सर उधर वो कमरा है, अभी इसको लेके जाएं, लेके जाएं ऑपरेशन रूम, ताकि हम ये इश्तेहारी पे काम करें अभी। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। वो कुलसुम ये रानी बीबी को भी चाय पिलवाए, उनकी चाय जो आ गई। थाने जाने तो कोई गल ही नहीं सुनते, मथाज बंदा चार पांच बारी तो मैं इत्थे लेके आ चुकी हां। अच्छा रऊफ, ये कुलसुम बीबी आई है, एक तो ये गिला कर रही कि ताने आई है, ताने किसके पास आप जाती रही हैं? ए शाह एक बंदा मैंने ना पल्या हला। अच्छा कब गई हैं ताने ये आखिरी दफा? मैं आखिरी बारी सानू महीना डेढ़ हो गया हुन थाने दे विच तक। चलो कोई बात नहीं, अभी तो फ्रेश भेजेंगे आपको अभी। ते आ थल्ले मकबूल ने जिन्ना ने हाथ च कब्जा किया स्टाम्प दे के थाने विच करके ना उन्होंने सुलह भी जानी, आखे मेरा कोई तलक नहीं हाथे ना थल्ले। फिर मेरे बच्चे ने सानू करे आके मारया कुटया परचा होया साडा, उन्होंने एक बंदा नहीं फड़िया उन्होंने। ये स्टाम्प नहीं है ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਬੂਲ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਨਕੀ ਬਹਿਨ ਇਹ ਗਿਲਾ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਥੇ ਪੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਤਾਓ ਬਤਾਓ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਕੀ ਬਹਿਨ ਇਸ ਕੋ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਰਾਚੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਬਹਿਨ ਕੇ ਘਰ ਸੀ ਬੈਠੋ ਕੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਉਨਕੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਦੇ ਹੱਥਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜ ਪਜ਼ੀਰ ਸੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੜ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਪੜ ਗਈ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਤੀਨ ਦੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਹੱਥਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? आप एक काम करें, ठीक है यार, देखो ना इनकी जिंदगी तो आसान करें ना किसी तरीके से। आप एक काम करें, डीएसपी साहब के पास लेके आ जाए, डीएसपी साहब के पास लेके आ जाए इनको भी, फिर मैं डीएसपी साहब से पूछूंगा। ठीक है, अब तो हम लेवल अप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे चुकी बात तो आपने सुन ली है। हाँ जी। लेकिन अभी हम डीएसपी किसी में लगाएंगे, डीएसपी किसी में लगाओ ये काम। अब बेटी मेरी बैठी, जब मैं बेटियां दितियां सी ना मेरे तो उन्होंने पैसे लाए सी, भी ऐसी कराची ठीक जगह उन्होंने बनाई ऐसी नहीं मुकर दे, लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे लाए ने 2 लाख रुपया। 6 साल हो गए इस गल, 6 साल दी मैं उत्थे बसी जानी है। ठीक है, अब हमने डीएसपी को लगा दिया है, समून सब कुछ उत्थे पिया दे। अब हमने डीएसपी को जिम्मे लगा दिया, वो आपके बहनों के दरमियान मसला देखेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं हल करें। मोहम्मद इसहाक साहब क्या हाल है? माशाल्लाह, चोरी का है? हाँ जी चोरी का। चलें आपको तो फिर भेजें इनको ऑपरेशन रूम। SHO कब के चोरी है ये? ये जी 6 महीने दी 25 तारीख। 1.5 साल पहले की है? 8 महीने हो। ये 23 लिखा हुआ है, 8 महीने। कोई बात नहीं, ठीक है इनको जरा भेजें ऑपरेशन रूम SHO को। आप ये दे दें, आपने आपका भी लेके जाएंगे अंदर। हाँ आपने फिर उठना तभी जब आपको भी समझ आए, इंशाल्लाह खैर करेगा। ठीक है, इस पे काम कराते हैं। क्या हाल है? अल्लाह पाक आ जाए, आपको लेके जाएंगे, लेके जाते हैं, लेके जाओ यार अली। हाँ चलते हैं। क्या मसला लेके आए हैं जी गुलाम मुर्तजा साहब? सर जी जेड़ा है ना माजर भंडारा साहब, ਇਹਨੂੰ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਇਹ ਜੀ ਪੀ ਹੋਇਆ
जबरदस्ती जी शराब पी लेंदा वेली चिंटर हो जाना जी जाना जी ते ये हां जी बिल्कुल ते मरछा सेल करो जी मैं साडे पेश मच्छना बाद जी बिल्कुल ते उस तो बाद जी ना मैं रिक्वेस्ट की थी मेरा वाला साहब पैर दाड़ी चिट्टी उन्हें जा पैर पड़े मेहनत की थी नहीं रुके जी फिर आ गए जी कार आते थे बहुत बात मेरी खिंचा ने पिस्टल वजह जी मन शाह सेल करो मैनू वीडियो तो कोई भी नहीं जी पूछेगा ही करा कि शराब पी लें शराब दे नशे की हालत है नहीं नहीं वजह क्या है आपके साथ अनाथ की आपके साथ लड़ाई झगड़ी की क्या वजह है कोई वजह नहीं जी अपने हमसाय से कच्चे ना रहते थे उसे कोई वजह भी नहीं सी पिछे जी जिसे उन्हें इशू बना लिया ना जी मैंने मनशाह सेल कर काफ़ी लोगों जी सेल करता क्या चार पाँच बार मुअत्तल हो चुका सी जी सेल करता सी पाँच छः बार अके जी मुअत्तल होया होया फिर मैनू इस्तेमाल करन लगा मैं जी मिन्नत की थी काफ़ी इस्तेमाल क्या मतलब जी आंदा मनशाह तुसी क्या बेचो जी मनशाह बेचो जी अच्छा जवाहर ये मेरे पास आया है गुलाम मुर्तजा अब देखो ना वो परेशान है एक कोई है अब्दुल माजिद उर्फ माजू भंडारा जी मारा के वो मनशियात भी बेचता है शराब भी बेचता है और कहते हैं कि वो मुझे तंग कर रहा है पहले उसने मुझे बकौल इसके के मजबूर किया कि आप भी मेरे लिए बेचो शराब आप वो कहते हैं कि हमें तंग करता है शराब पी के तो पिस्टल आके मेरे दिमाग पे रख देता है और ये अच्छा ये शाम तक आप मुझे बताएं शाम तक जो भी तरीके आपने करनी है वो करें और अगर इसके बाद ठीक है तो उसकी जो प्रॉपर कानूनी डेंट पेंट बनती है वो करके आप मुझे बताएं शाम को मैं फिर इनसे बात करूंगा आप से बात करने के बाद मैं इनसे बात करूंगा गुलाम मुर्तजा से डोंट वरी ठीक है सफदर साहब आ जाएं उधार लिए थे अंजम ने बिलाल अंजम ने अब टाल मटोल कर रहा है संगीन तज की धमकी भी दे रहे बात करो इसी चो से सदर बहावल नगर करते हैं आपका मसला हल करते हैं कोई नहीं ऐसे जो भी कर लेगा उससे बात कर ले डीओ से ठीक है आपका मसला हल करेंगे डोंट वरी ये ले लो SHO के पास फिर इनको भिजवाओ एक मोबाइल और 5,300 रुपये निकाला मुझे जोड़ने के बाद 1,000 मोबाइल कुछ कर दिया 5,000 रुपये बात करो अच्छा गुलाम शबीर साहब ये भी मैं आपके पास भेजूंगा ये मोहम्मद आमिर को इनका कोई 5,000 का इशू है वो कहता है कि मोबाइल तो फिर मुझे मिल गया और 1,000 अच्छा 53,000 5,000 नहीं है 53,000 है और बाकी पैसे फिर इनको नहीं मिले ये आपने हल करना ये मसला ठीक है इसमें अगर मगर ये जो रंगबाजी ये नहीं चलेगी उनको बताया नहीं तो फिर अगर मैंने नोटिस ले लिया तो फिर मैंने नुकसान कर देना है इनका ठीक है आप मुझे ये हल करके दें 3 दिनों में नहीं तो फिर मैं जो जुड़ूंगा उनको तो फिर उनको समझ आ जाएगी 3 दिन का टाइम ऐसे तो ठीक है डोंट